नमस्कार सदगुरु मैं बस जानना चाहता हूं कि शिव के मार्ग और बुद्ध के मार्ग में बुनियादी अंतर क्या है इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट बुद्ध बुद्ध के मार्ग के बारे में बात करना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है ये काफी आसान है और ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है गौतम ने लोगों को आम तौर पर जो तरीके बताए वो हमेशा कई जीवन कालों तक के लिए थे आप इसे आज साफ तौर पर देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु हमेशा इस बारे में बात करते हैं खासकर तिब्बत के बौद्ध जिनका बौद्ध संप्रदाय आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कुछ राजनीतिक कारणों से वो हमेशा कई जीवन कालों की साधना की बात करते हैं तो अगर आपके पास उतना धैर्य है कि आप कई जीवन कालों तक साधना करने के लिए तैयार हैं तो गौतम का तरीका बहुत असरदार बहुत लॉजिकल और वैज्ञानिक है जिसमें आप कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जागरूकता का मार्ग है जागरूकता के मार्ग पर चलने का महत्व यह है कि इसमें मील के पत्थर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप एक मील दो मील या दस मील तक आ गए हैं यह आपको बताता है कि आप कहाँ हैं यही इसका सबसे अहम पहलू है बहुत ज्यादा भरोसे या भक्ति के बिना भी आप विकास कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक साधना है बस इसे करते रहिए करते रहिए करते रहिए ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं लेकिन शिव के साथ ऐसी कोई गारंटी नहीं है और वो कोई मील के पत्थर भी नहीं रखते आप नहीं जानते कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं आप बस इतना जानते हैं इट्स लाइक फॉलिंग इन योर बॉटमलेस पिट यह एक बिना तली के गड्ढे में गिरने जैसा है सुनने में डरावना लगता है मैं चाहता हूं कि आप समझें। गिरने के लिए बिना तली का गड्ढा सबसे सुरक्षित जगह है तली वाला गड्ढा खतरनाक होता है बिना तली वाला गड्ढा पूरी तरह से सुरक्षित है आपका जीवन पूरा हो गया अगर आप बस इसमें कूद जाएं, बस हो गया आप बस गिरते रहते हैं अगर आप कभी क्या किसी ने स्काई डाइविंग किए आपने की है? तो अगर आप गिर रहे हैं तब अगर आप कुछ हजार फुट के लिए पैराशूट ना खोलें तो उस दौरान आपको पता नहीं चलता कि आप नीचे जा रहे हैं या ऊपर बस ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं और यह शानदार होता है सिर्फ जब आप नीचे देखते हैं तो यह धरती बड़ी तेजी से आपकी ओर आती हुई दिखती है अगर यह ग्रह हटा दिया जाए तो यह एक शानदार अनुभव है बस जब आप नीचे देखते हैं तो धरती तेजी से आपकी तरफ आ रही है यही समस्या है गिरना तो आप गिरने को बुरी चीज मत समझिए गिरना जबरदस्त चीज है क्या आप कभी प्रेम में पड़े जब आप तली से टकराते हैं तब समस्या होती है अगर आप बिना तली के गड्ढे में गिरते हैं तो कोई समस्या नहीं है तो शिव एक बिना तली का गड्ढा है उनके तरीके बहुत अलग हैं लेकिन आप उन्हें उस तरह सीमित नहीं कर सकते सेवन डिफरेंट सात अलग अलग शिष्यों के साथ सप्तऋषि प्राचीन काल के साथ जाने माने ऋषि उन्हें शिव ने सात बुनियादी तरीके सिखाए जिनसे कोई इंसान अपनी चेतना की गहराइयों में जा सकता है इन सातों से वो सात के मल्टीपल्स में और आगे तक गए और उन्होंने 112 अलग अलग तरीके सिखाए और कहा बस इतना ही है एक सुंदर कहानी है के लिए समय नहीं है तो उन्होंने 112 अलग अलग तरीके बताए जिनसे कोई इंसान अपने चरम तक पहुंच सकता है और ये 112 तरीके शरीर के 112 चक्रों से जुड़े हैं असल में चक्र 114 हैं लेकिन उनमें से दो शरीर के बाहर हैं उन दोनों को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जब आप शरीर में हैं तब आत्मज्ञान प्राप्त करने के 112 तरीके हैं तरीके दैट मींस इसका मतलब है कि शरीर का हर चक्र ऊर्जा तंत्र के मिलने का हर बिंदु परम ज्ञान की प्राप्ति का एक मार्ग है तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा तो बुद्ध उनके काम का एक छोटा सा अंश है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि गौतम खुद जंगल में जाकर यूं ही नहीं बैठ गए उन्होंने अपनी साधना के पहले आठ साल देशभर के विभिन्न गुरुओं के साथ बिताए और इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा आधार ये ज्ञान वास्तव में शिव से ही आया है ये दुनिया के जिस भी हिस्से में बुनियादी आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी आधार से आती है और इसे कितने ही अलग अलग रूपों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया है ये इतने ज्यादा अलग अलग इसीलिए दिखते हैं क्योंकि ये 112 तरीके एक दूसरे से पूरी तरह से अलग दिखते हैं तो शिव और बुद्ध में क्या अंतर है यह सवाल उपयुक्त नहीं है बुद्ध ने शिव के किस पहलू पर काम किया उन्होंने जागरूकता के मार्ग पर काम किया जो बस एक पहलू है ये काफी एक आयामी है लेकिन गौतम बुद्ध का महत्व यह है कि उनका तरीका बहुत वैज्ञानिक और क्लिनिकल है वो एक लॉजिकल माइंड को अच्छे लगते हैं लेकिन शिव तो बस वो इस तरह भी बैठते थे कई बार वो एक तपस्वी की तरह बस अचल होकर बैठते थे लेकिन कई बार वो किसी प्यक्कड़ की तरह मतवाले होकर नाचते थे वो हर तरह की अवस्थाओं में होते थे क्योंकि उन्होंने खुद को किसी खास आयाम से सीमित नहीं किया उन्होंने जीवन के हर पहलू को एक्सप्लोर किया वॉट so यू you... तो आप जैसे बुद्ध का मार्ग कहते हैं वो बस एक पहलू है इन 112 सौ मार्गों में से और बहुत से दूसरे लोग तमाम दूसरे पहलू लेकर आए लेकिन वो एक एक मार्ग रहे हैं इन सात शिष्यों में से इन सप्त ऋषियों में से जो ऋषि दक्षिण की ओर गए दक्षिण का मतलब है जो भी जगह हिमालय के दक्षिण में है मैं सभी मुंबई वासियों से कह रहा हूं हिमालय के दक्षिण में जो भी है वो दक्षिण है तो अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर गए और वो खासकर विंध्य पर्वतों से आगे की तरफ सक्रिय हो गए आपने विंध्य पर्वत की वो कहानी तो सुनी होगी जब वो अगस्त्य मुनि के सामने झुक गया था और वो कभी वापस नहीं आए तो आपको वो कहानी पता है नहीं आपको भारत के बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए तो उन्होंने अपना विस्तार, खासकर दखन के पठार में इस तरह किया कि उन्होंने वहां की हर इंसानी बस्ती को छुआ आप जहां भी देखें आप अगस्त्य मुनि के किस्से सुनेंगे और उन्होंने ये एक्शन फॉर रूरल रिजुविनेशन शुरू किया उन्होंने एक भी इंसानी बस्ती को नहीं छोड़ा वो हर किसी के जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रिया को लेकर आए कहा जाता है कि वो चार हजार साल से ज्यादा जिंदा रहे हमें नहीं पता कि वो कितना जीवित रहे लेकिन उनका जीवन काल एक सामान्य जीवन काल नहीं था यह असाधारण रूप से लंबा था जब आप उनके द्वारा चले गए मीलों को गिनते हैं अगर आपने उनके साथ एक स्पीडोमीटर लगाया होता और ये देखा होता कि उन्होंने कितना रास्ता तय किया तो आपने देखा होता कि वो समय का असाधारण लंबा दौर था हम नहीं जानते कि ये 400 साल था या 4000 साल लोग इसे 4000 साल कहते हैं पर निश्चय ही उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया और उन्होंने हर इंसानी बस्ती को छुआ और ये पक्का किया कि आध्यात्मिक प्रक्रिया उनके जीवन में एक जीती जागती हकीकत बन जाए आज भी हमें उनके किए काम का फायदा मिल रहा है दक्षिण भारत आज भी उनके काम का लाभ उठा रहा है बिना किसी कारण के यहां एक तरह की स्थिरता जो आपको दिखाई देती है यह उनके काम का नतीजा है क्योंकि वो लोगों के जीवन में योग को किसी लेबल के बिना किसी ढांचे के बिना बस एक जीवन प्रक्रिया की तरह लेकर आए आप सुबह उठकर जिस तरह से दांत साफ करते हैं खाना पकाते हैं खाते हैं इस सब को उन्होंने एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बना दिया और हम आज भी इसके फायदे उठा रहे हैं अगर आप इस धरती पर कहीं भी किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया को देखें यू तो आप पाएंगे कि वो उन 112 तरीकों से अलग नहीं है जिनको शिव ने खोजा था तो गौतम और शिव की तुलना करना उपयुक्त नहीं है मैं गौतम का बहुत आदर करता हूं वो एक महान प्राणी है इसमें कोई शक नहीं है उनका कार्य भी जबरदस्त है उन्होंने एक विशाल आध्यात्मिक लहर पैदा की जो ढाई हजार साल बाद आज भी जारी है लेकिन यह तुलना के योग्य नहीं है किसी भी तरह से तुलना के योग्य नहीं है हम बस इतना कह सकते हैं कि शिव के काम में गौतम का काम एक छोटे अंश की तरह शामिल है इट इज यह एक प्रतिशत से भी कम है क्योंकि 112 तरीकों में से गौतम ने एक पर काम किया और महत्वपूर्ण चीज यह है कि उन्होंने इसकी अच्छी मार्केटिंग की और उन्होंने हजारों लोगों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया यही उनकी सफलता है लेकिन शिव मार्केटिंग करने के लिए थोड़े ज्यादा ही नशे में थे आपको उनके लिए मार्केटिंग करनी चाहिए वो मार्केटिंग नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मुझे आम तौर पर यह माना जाता है आज से 40 से साठ हजार साल पहले उन्होंने अपना काम शुरू किया था लेकिन साठ हजार साल या चालीस हजार साल बाद भी यह जीवित है आप इसे नष्ट नहीं कर सकते हुँ? आप इसे नष्ट नहीं कर सकते जब तक मेरा जीवन पूरा होगा मुझे यकीन है कि जितने लोकप्रिय वो आज हैं, मैं उन्हें उससे थोड़ा और लोकप्रिय बनाकर जाऊंगा